नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सेल्फ आर्मेचर रिपेयरिंग करने के बारे में बताएंगे। ये देख लीजिए किस तरह बिल्कुल कटा हुआ है। इस तरह का कटा हुआ सेल्फ आर्मेचर को रिपेयरिंग करके एक बार आप आराम से चल सकते हैं साल दो साल तक। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि रिपेयरिंग इसको कैसे किए जाते हैं। ये बहुत ही बुरी तरह कट चुका है और कार्बन इसके कारण बहुत जल्दी जल्दी कट रहा था, तो हमने सोचा कि चलो इसको रिपेयर करके देखते हैं। रिपेयर मैंने कई सारे बाइकों में किया है, ये अनुभव है हमारा, इसीलिए हमने इसका आपको दिखा रहे हैं। ये फाइल रेडी ले लिया हमने, इसको हमने फाइल से घिसना शुरू किया है और बिल्कुल प्रॉपर एक बराबर सा घसेंगे, मतलब कि कहीं भी उभरा हुआ नहीं रहना चाहिए, एक बराबर बिल्कुल गोला और चिकना होना चाहिए। तो हम इसे अच्छी तरह से घिसाई कर रहे हैं, देख लो आप। और इससे हमारा सेल्फ का कार्बन जल्दी जल्दी नहीं कटेगा। और सेल्फ के रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे सेल्फ क्या होता है, क्या करना चाहिए। ये देख लो हमने इतना घिस लिया है, बिल्कुल क्लीन हो गया है, लेकिन फिर भी दाग हल्का हल्का है, तो उसको हम बिल्कुल साफ़ करेंगे। तो देख लो अभी थोड़ा ये अभी इसको और घिस के बढ़िया अच्छा से साफ़ करेंगे। ये हमारा हीरो बाइक का सेल्फ आर्मेचर है, किसी भी बाइक का हो, अपाची का हो, होंडा का हो, कोई भी बाइक का सेल्फ आर्मेचर हो अगर, तो हम उसे रिपेयर कर सकते हैं। अभी बिल्कुल क्लीन करके आपको हम दिखाएंगे कि कैसे इसका रिपेयर करते हैं, फिर आप खुद देख लो कि इस पर कार्बन लगने पर जल्दी जल्दी कटेंगे या नहीं कटेंगे। जब ये हमारा रफ नहीं रहेगा तो कैसे कटेंगे, देख लो ये बिल्कुल साइन आ गया है इस पर, हमने इसको बराबर बिल्कुल कर दिया है। अब इस पर आराम से साल दो साल तक चलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये हुआ फिट, ये देख लो इसके ये रेसे हैं, ये बिल्कुल क्लीन होने जाने चाहिए, उसमें कोई कचरा नहीं रहना चाहिए। उसके बाद हम पेट्रोल से इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे और फिर हम इसे गाड़ी में लगाएंगे, सेल्फ कार्बन लगा के साफ सुफ करके अच्छा से। ठीक है भाइयों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू भाई।